छात्रों चर्चा करते हैं कि नर्नस्ट इक्वेशन से साम्य स्थिरांक कैसे प्राप्त करेंगे, यानी यार नर्नस्ट इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्या संबंध है। छात्रों जब कोई वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया साम्य अवस्था में पहुंचती है तो उसकी आयनों की सांद्रताओं का परिवर्तन स्थिर हो जाता है और सेल का विद्युत वाहक बल शून्य हो जाता है। इस स्थिति में अभिक्रिया के आयनों की सांद्रताओं का अनुपात साम्य स्थिरांक कहलाता है और इस साम्य स्थिरांक और ई सेल बराबर जीरो का मान हम नर्नस्ट समीकरण में जब रखते हैं तो हमें एक संबंध प्राप्त हो जाता है जहां इस जो होता है ई सेल नॉट बराबर 2.303 आरटी बटे एनएफ लॉग केसी। अर्थात छात्रों हम मानक अवस्था के सेलों से किसी भी वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया की साम्य अवस्था में हम केसी का मान निकाल सकते हैं।